राष्ट्रीय कोयला मजदूर यूनियन एनके एरिया की बैठक डकरा वीआईपी क्लब में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता एनके एरिया अध्यक्ष फूलेश्वर यादव ने की। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में यूनियन के वरिष्ठ नेता सह जेसीसी सदस्य ललन प्रसाद सिंह शामिल हुए। बैठक के दौरान क्षेत्र में मजदूरों की समस्याओं पर चर्चा की गई। इसके साथ ही अप्रैल महीने से लागू होने वाले नए श्रम कानून का विरोध करते हुए आंदोलन की रणनीति बनाई गई और निर्णय लिया गया कि सभी लोग इसमें साथ देकर इस आंदोलन को सफल बनावे। मौके पर सुनील सिंह समेत काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। उपलक्ष्य में रखा गया है और आने वाले समय में जिस तरह कोयला उद्योग पर काला बादल मंडरा रहा है, उसके संदर्भ में आज कार्यकर्ताओं को आवश्यक बैठक रखा गया है। सब विदित है कि आज देश पैमाने पर पूरा देश ज्वलंत समस्याओं से जूझ रहा है और उसमें हम कोयला उद्योग में काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी या किसान वर्ग कोई भी अछूता नहीं। उसी संदर्भ में अपने तमाम कर्जकर्ताओं के साथ विचार विमर्श के लिए एक आवश्यक बैठक रखा गया है, जिससे उद्योग हित और राष्ट्र हित मजदूर हित में हम लोग कुछ निर्णय लें और जो भी ऊपर का एचए में इसका मेरा फरमान आता है, जो भी आदेश राष्ट्रीय स्तर का आता है, उसको भली भांति हमारे संगठन के तमाम साथी आज जो जुटे हुए हैं मिलकर उसे मुकाम तक पहुंचाने का हम लोग काम करते हैं। जो मुझे रूटीन मिला है उसके अनुसार हम काम करेंगे। आज उसी संदर्भ में एक आवश्यक बैठक एचएमएस राष्ट्रीय कोयला मजदूर यूनियन का क्षेत्रीय स्तर पर रखा गया है और ये मीटिंग हर जगह करीब करीब चालू होगा, क्योंकि आने वाले अप्रैल माह एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूपरेखा तैयार होने जा रहा है। उसके संदर्भ में हम लोग आज से ही जन जागरण और सतर्कता बरतते हुए सारा चीज करने को आज बैठक रखी। आज एनके एरिया में राष्ट्रीय कोयला मजदूर यूनियन का क्षेत्रीय स्तर की एक बैठक बुलाई गई है। बैठक का मुख्य उद्देश्य आज केंद्र सरकार के द्वारा जो 44 श्रम कानूनों को बदलकर चार आचार संहिता में जो बदलाव किया गया है, यूनियन इसका पुरजोर विरोध करती है। ज्ञात हो कि जैसा कि प्रकाश में आया है कि आगामी 1 अप्रैल से यह लागू होने जा रहा है। यह कानून मजदूरों के अहित में है, कोयला उद्योग के अहित में है। आज इसी के दरमियान आज हम लोग बैठकर विरोध का रूपरेखा तैयार करेंगे और मैं आपके माध्यम से तमाम कोयला मजदूरों से आग्रह करना चाहता हूं कि आने वाला समय आपके समक्ष बहुत ही बड़ा चुनौती का समय है। आप एकजुटता को बनाए रखते हुए केंद्र सरकार की नीतियों को जो भी आंदोलन होता है उसमें बढ़ चढ़कर भाग लें। धन्यवाद।